प्रदेश भर में आज डॉक्टरों की 2 घंटे की सांकेतिक पैन डाउन स्ट्राइक रही। ये स्ट्राइक डॉक्टरों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर की गई। डॉक्टरों की हड़ताल से सिविल अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं चालू रही। जानकारी देते हुए डॉक्टर सुखदीप कौर ने बताया कि डॉक्टर द्वारा आज अपनी लंबित मांगों को लेकर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सांकेतिक हड़ताल की गई है, जिसमें डॉक्टरों की मुख्य मांगे SMO की सीधी भर्ती बंद करना, केंद्र की तर्ज पर फोर्स ACP की मांग, विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए स्पेशल कैडर बनवाने की मांग, NEET PG में बॉन्ड की राशि 1 करोड़ से कम कर 50 लाख करने की मांग शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले 25 जुलाई से पूर्ण हड़ताल पर जा सकते हैं। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सिविल अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए मरीजों का कहना था कि कई घंटों से वे लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन ना तो उनकी पर्ची कटी है और ना ही उन्हें इलाज मिल रहा है, जिससे वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि पहले ही वह अपने काम को छोड़कर इलाज करवाने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें इलाज भी नहीं मिल रहा है और परेशान होकर वापस घर लौटना पड़ रहा है। वो ना कुत्ते ने काट लिया है। हाँ, डॉक्टर साहब बोलता हूँ, ये कोई सुन ही नहीं रहा है, ना कोई पर्ची काट रहा है, कोई टेंशन नहीं है किसको, कोई मर जाए, एक बच्चा बिल्कुल सीरियस था, उसका आदमी अगर लाके तो भर्ती किए है। हाँ, ये लोग कोई सुनता ही नहीं है, कोई किसका, कोई मर जाए कोई टेंशन नहीं है। या लोग इन लोगों आगे पूछते हैं, ये लोग अभी भाई हम कह नहीं पाएंगे, भाई हम कह नहीं पाएंगे, ये एक ही बहाना है, किसी से पूछ लो, एक बंदे से नहीं, किसी से पूछो तुम। हाँ, सारा पब्लिक पागल है, पब्लिक है ना, ये कोई सही सुनता है, ये और कोई कुछ बोलते हैं तो मैं सुनता ही नहीं, बस किसी का क्या करेंगे हम। हम भाई कितना आनंद है आबूल जी, अभी तक पर्चा नहीं बना है, हड़ताल बता रहा है कि 11 बजे तक हड़ताल है। उसके बाद अभी जब पर्चा कटवाने के लिए लाइन पे खड़ा हुआ तो वहाँ बोले टोकन लेना पड़ेगा। अब टोकन पे खड़ा हुआ तो वहाँ भी जी कोई बैठे नहीं, वहाँ पे अभी बैठा तो उठ के चला गया वहाँ पे। इसलिए कितने समय से आप यहाँ हो? मैं सुबह 9 बजे पहले आ गया था जी। तो आपको पता था हड़ताल है? नहीं पता था जी। क्या नाम आपका? राम नरेश जी। बताओ क्या क्या समस्या? जी सिर में दिक्कत है, चोट वगैरह लग रही थी, आया था मैं सुबह से, आया हूँ 9 बजे से, डॉक्टर साहब की हड़ताल चल रही है, 2 घंटे हो गए बैठे हुए, उड्डा से आया हूँ सेक्टर 11-12 से। क्या करें अंदर? वो मम्मी लाइन में खड़ी है। तो पर्ची काट के दे रहे हैं? नहीं वगैरह अभी डॉक्टर साहब जब कहेंगे। जब ऐसे डॉक्टर पे हड़ताल में तो मरीजों को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? वो ये हमें नहीं पता जी क्या करना पड़ेगा। क्या नाम क्या? मोहम्मद इरफान। नहीं बताइए आज आया था हड़ताल जी डॉक्टर की, क्या आपको दिखाई दे क्या बीमारी है आपको, उसके बारे में काफी दिक्कत हो रही है और हम तो इतनी दूर से आते हैं जी और आते ही पता लगता है डॉक्टर नहीं आ रहे, कभी कहते हैं छुट्टी पे है। मैं तो 3-4 बार आई थी जी यहाँ पे, एक बार भी नहीं मिले। क्या कराने आए थे यहाँ पे, क्या इलाज? कानों का जी, और एक ही फेर मिले थे जी, 3-4 बार आए थे। तो कब से बैठे हो आप यहाँ? अब तो 2 घंटे हो जी आ रहे थे। तो आपको पता है डॉक्टरों की हड़ताल है? नहीं पता था जी। तो ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत है जी, जब टाइम पे नहीं मिलेंगे जी, और काम धंधा छोड़ के आया जी, अपने बच्चे छोड़ के आया जी। तो वो क्या कह रहे हैं, अंदर कोई मिला आपको? अंदर तो नहीं आया जी, जब लाइन नहीं आई पे पर्ची नहीं कटी थी अभी तक, तो डॉक्टर कहाँ पाएंगे। क्या नाम आपका? नहीं, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवाएं और जितनी भी आपातकालीन सेवाएं हैं सब चालू थी इस दौरान। सिर्फ 9 से 11 पैन डाउन स्ट्राइक की गई थी और इसमें इमरजेंसी के किसी मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो इसमें मांगों को लेकर पहले भी की गई थी तो हाँ जी, दिक्कत आई है जो आज फिर पहले ये जब पहले ऊपर अधिकारियों से बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ, तो तब हमारी सारी डिमांड है उन्होंने जायज मानते हुए ये बोला था कि हमें 6 महीने का टाइम दे दीजिए। तो 6 मंथ बीतने के बाद भी अभी तक वो डिमांडें जो हैं ऑन पेपर ही रह गई हैं, उन्हें लागू नहीं किया गया है। तो इसलिए अब ये दोबारा से स्ट्राइक का मतलब स्ट्राइक द्वारा से की गई है। अगर अभी भी सरकार के द्वारा इस बारे में नहीं सोचा गया तो आगे क्या होना चाहिए? आगे अगर अभी भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो आगे जो है इमरजेंसी सेवाएं भी और अपनी जो भी आपातकालीन सेवाएं हैं पोस्टमार्टम वगैरह सब बंद कर दिए जाएंगे 25 जुलाई। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।